खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। केंद्र सरकार पर जुमलेबाज सरकार होने का आरोप लगाते हुए वामपंथी संगठनों एवं राजद सहित अन्य विपक्षी दलों का बंद दूसरे दिन भी जारी रहा। वामपंथी कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरकर विभिन्न जगहों पर NH 28 एवं NH 31 को जाम किया तथा बाजार भी बंद करवाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा, भारतवर्ष में एक दमनकारी सरकार बैठी हुई है जो सिर्फ जुमलों की सरकार है और वर्तमान सरकार सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, आज आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, साथ ही साथ रसोइया की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जहां एक तरफ सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी एवं महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं समय से अधिक काम लेने के बावजूद भी मात्र 33 रुपए मजदूरी के रूप में रसोइयों को दिया जाता है। इस मौके पर रसोइया संघ के लोगों ने कहा कि जब तक रसोइया एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। खबर 365 न्यूज के लिए बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की। माना गया है क्योंकि पेंशन नीति सरकार खत्म करने पर है, हम लोग इसी के तहत जब 5 आइटम लेके हम लोग डटे हुए हैं केंद्रीय ट्रेड यूनियन के अंतर्गत। डॉक्टर के बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, ऐसा एक दिन भी नहीं है जिस दिन बिहार में खून खराबे की घटना नहीं घट रही है, बलात्कार की घटना नहीं हो रही है। और नीतीश जी कहते हैं कि कानून का राज है, नीतीश जी यही आपका कानून का राज है। गरीब गुरबा रोड पर है, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, आप उसको क्यों नहीं देते हैं रुपया, क्यों नहीं उसको 18,000 रुपया देते हैं? वित्त रहित कर्मी को 5 साल से बकाया है, आप स्थायीकरण क्यों नहीं करते हैं? ये सारा मांग है, हम ट्रेड यूनियन के साथ हैं, इनका जो भी मांग है सरकार पूरा करे, नहीं तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को आने वाले चुनाव में हम धूल चटा करके दम लेंगे। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार यादव, राजद जिला अध्यक्ष, बेगूसराय।